आजकल छोटी उम्र के छात्र भी स्कूलों में स्कूटी और बाइक लाने लगे हैं। माता पिता भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकते। इसका नतीजा कितना भयंकर हो सकता है, इसकी एक बानगी पलवल में देखने को मिली, जहां एक ही स्कूटी पर सवार 3 नाबालिग छात्र हादसे का शिकार हो गए, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए, जिनका अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक तीनों छात्र जिस वक्त स्कूल से घर जा रहे थे, तभी अचानक स्कूटी के सामने कोई पशु आ गया, जिससे बचाने के चक्कर में छात्रों ने स्कूटी मोड़ दी। अचानक इस दौरान एक कार सामने से आ गई, जिसकी चपेट में आने से ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसा कितना खतरनाक और दर्दनाक है, इसका अंदाजा आप तस्वीरों से ही लगा सकते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, 10वीं कक्षा का था जो मृतक था, और ये विशाल श्रोफ नरेंद्र, शैलेश श्रोफ सुशील, विनेश श्रोफ नरेंद्र, ये बिटकोला गांव के रहने वाले हैं। और आज छुट्टी होने के उपरांत ये अपने घर जा रहे थे पलवल, तो रास्ते में स्कूटी से एक्सीडेंट। जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है उसका जो उसके चालक के बारे में पता चला? हाँ, चालक गाड़ी को छोड़ के मौके से फरार हो गया। गाड़ी HR30R9748 वैगनार गाड़ी है, उसको कब्जे में ले लिया। 2 और जो बच्चे हैं जो सीरियस बताए जा रहे हैं, वो सीरियस है, अभी हॉस्पिटल में है। मृतक छात्र का नाम विशाल पुत्र नरेंद्र है, और अन्य 2 घायलों में मृतक का एक सगा भाई और दूसरा चचेरा भाई बताया जा रहा है। नूह रोड पर हुए हादसे की खबर मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले में कार सवार पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई में जुट गई है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब के CTV।